पिछले कई वर्षों से भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने को लेकर चर्चा तेज है। पिछले दिनों लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अब हवाई जहाज संघर्ष समिति के सदस्य भागलपुर के वर्तमान सांसद अजय मंडल के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति राज सिंधिया से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। आपको बता दें, इन सबों ने वहां मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द एक सर्वे टीम भागलपुर जाएगी। हवाई जहाज उड़ान संघर्ष समिति के सदस्य सैयद शाहनवाज हुसैन, बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री एवं मंत्री अश्विनी चौबे और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे से भी मिले। उन लोगों ने भी हवाई जहाज उड़ान के संदर्भ में बात रखी। इस मौके पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर वासियों का यह सपना भी जल्द पूरा होगा। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, आप सुनिए। जनता पार्टी जदयू बिहार में है, सेंट्रल में है, डबल इंजन की सरकार है, तो हमसे अपेक्षा बहुत है। हम इनकी, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ ही, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो संघर्ष समिति है उसका भी तर्जुमान बनकर इनकी तर्जुमानी सब जगह जाके मैं करूँगा। ये मैं इनको वचन देता हूँ, यही वचन इनको दिया। ये खास तौर पे सांसद जी के नेतृत्व में यहाँ पर कमेटी आई है और पूरी तरह भागलपुर से हवाई जहाज़ उड़े, और इसके लिए लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। अगर सड़क बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन हो सकता है तो एयरपोर्ट बनाने के लिए भी लैंड एक्विजिशन हो सकता है। भागलपुर के लोगों को अभी नीतीश कुमार जी ने बड़ा तोहफा दिया, हमारा पूरा भागलपुर जो साउथ भागलपुर था दक्षिणीकरण, उसके लिए 117 करोड़ रुपए का तोहफा अभी दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी और मोदी जी मिलकर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी तोहफा अंग की भूमि को दे दें, क्योंकि विक्रमशिला और नालंदा यही दो धरोहर है जो हमारे पास है। तक्षशिला तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन नालंदा देखने, विक्रमशिला देखने, अंग भूमि को देखने, और भागलपुर के लोग बहुत, आप जानते हैं हमारा चावल मीठा है, हमारा आम मीठा है, जरदालू आम, लेकिन हमारे वहाँ के लोग अब मीठे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने वचन दिया है कि ये आंदोलन जो है चलेगा पूरी तरह से, और हम सब भी इसको जितना गाइड कर सकते हैं वो करेंगे। जनता की आवाज़ है, लोकतंत्र में लोक की आवाज़ का महत्व है, और यही जनता बनाती है। तो हमें पूरी तरह इनका वेलकम करता हूँ, इनके प्रयास को सलाम करता हूँ। भागलपुर एयरपोर्ट को लेकर के शाहनवाज हुसैन से मुलाकात की है, क्या बात हुई सर? मैंने भागलपुर एयरपोर्ट लेकर के, जब भागलपुर में आज सोलहवां दिन है तेरहवां दिन मैं वहाँ धरने पर पहुँचा, भागलपुर की जनताओं ने, भागलपुर के समाज सेवियों ने वहाँ मेरे भागलपुर में घंटा घर में एक धारणा दिए हुए थे कि यहाँ जहाज यहाँ से भागलपुर से उड़ान हो, एक संघर्ष समिति बना लिए थे जिसके कमल बाबू और आनंद बाबू एवं पूरा भागलपुर इनका नेतृत्व कर रहे थे। तो जब मैं बाहर से आया, मैं चूँकि रूटीन चेकअप में गया हुआ था तो मुझे पता लगा, तो मैं उन लोगों के से मिलने गया, तो उन लोगों का मांग था, तो चूँकि जहाज़ उड़ाना तो मंत्री का काम है, सरकार में हम हैं, इसीलिए हम इन पूरे एक डेलीगेट लेकर के उन धनार्थियों से, कमल भैया से बात करके एक डेलीगेट लेकर के माननीय मंत्री जी से मिलाए, और मिला करके वहाँ से मैंने फिर इन लोगों को लेकर के माननीय शाहनवाज जी, माननीय हमारे पूर्व सांसद शाहनवाज जी जो उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि इनकी दिशा निर्देश मिलनी चाहिए, एक मंत्री होने के नाते पूर्व मंत्री थे, इसके बाद हमारे यहाँ अश्विनी चौबे माननीय मंत्री जी हैं, उनसे भी हम उनके दरवाजे भी गए, और इसके बाद हमारे क्षेत्र के मेरे प्रिय भाई झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे जी हैं, मैं उनके यहाँ भी जाऊँगा अभी इन लोगों को लेकर के, कि चूँकि सब मिल करके, कहा जाता है एक देहात में कहावत है, एक लाठी तो सब तोड़ देगा, लेकिन 10 लाठी अगर मिल जाएगा तो टूटेगा नहीं, वो और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए हम शाहनवाज भैया, निशिकांत भैया और माननीय अश्विनी कुमार चौबे भैया को सबको साथ जोड़ करके, और हम भी उनके साथ का एक डोरी बन जाए तीनों को बांधने में, यही कर्तव्य निभाने में मैं यहाँ डेलीगेट लेकर के आया हूँ। शाहनवाज जी पहले एक कमल जी का ले लीजिए, आनंद जी का छोटा छोटा बाइट दे देंगे। ये कमल जी क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या है, बस भागलपुर जो है पटना और कलकत्ता के बीच में एक व्यावसायिक
शहर है और शिक्षा से लेकर धार्मिक तक जितनी भी चीज़ें हैं वो भागलपुर में उपलब्ध है।